टीवी जगत की जानी मानी अभिनेत्री शिजिता डे अपने बॉयफ्रेंड माइकल ब्लोहम पेप से जर्मनी में शादी करने वाली हैं। शिजिता और माइकल की शादी 1 जुलाई 2023 को जर्मनी में आयोजित की जाएगी। शिजिता अपने शादी को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित हैं। शिजिता जर्मनी में अपनी शादी को लेकर उत्साहित तो हैं, लेकिन वह एक चीज को लेकर निराश भी हैं। शिजिता ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बताया कि मैं शादी को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित हूं, लेकिन मेरी शादी में मेरे कुछ दोस्त शामिल नहीं हो पाएंगे। मेरी शादी में से उठाकर अब्दुल रौजिक शामिल नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा देवलीना भट्टाचार्य जी और प्रियंका चौधरी भी शादी में शामिल नहीं हो पाएंगी। हालांकि रश्मि देसाई के शादी में आने के चांसेस हैं। इन लोगों के शादी में शामिल न होने पर मैं थोड़ी निराश हूं, लेकिन ये सब लोग मेरी इंडियन वेडिंग में जरूर शरीक होंगे। शिजिता ने अपने बॉयफ्रेंड माइकल ब्लोहम पेप के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताते हुए कहा कि माइकल ने मेरे अंदर काफी आत्मविश्वास जगाया है। माइकल ने मुझे सिखाया है कि मेरे लिए क्या बेहतर है। इसके अलावा हम दोनों में झगड़े भी होते हैं, लेकिन माइकल हमेशा मुझे मेरी गलतियों का एहसास करा देते हैं। शिजिता ने जर्मनी से आने के बाद अपनी इंडियन वेडिंग के बारे में बताते हुए कहा कि हमें जर्मनी के बाद तुरंत इंडियन वेडिंग की तैयारियां शुरू करनी होंगी, क्योंकि इंडियन वेडिंग के बारे में हमने अभी तक कुछ सोचा नहीं है, लेकिन हाँ इतना पक्का है कि यहाँ पर हमारी शादी गोवा में होगी। गोवा में हम ओपन एयर वेडिंग करेंगे। माइकल के साथ शादी के बाद अपने आगे के जीवन के बारे में बताते हुए शिजिता ने कहा कि शादी के बाद मैं एक फिल्म की शूटिंग करूंगी। इसके अलावा माइकल कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, तो वह अभी 1-2 साल भारत में रहकर काम करेंगे। इसके बाद के बारे में हमने अभी उतना सोचा नहीं है। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब लहरें।